हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो मैटर, सबसे पहले मैटर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका कुछ क्या होगा, कुछ भी मास होगा, तो उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, ठीक है? जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके कौन कौन से होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये जो होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। और जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा? पंच तत्व कहा, ठीक है? पंच तत्व किनको कहा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर को, ठीक है? तो इनके अकॉर्डिंग, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ? एवरीथिंग, कुछ भी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो सब किससे मिलके बने हैं? इन पंच तत्व से मिलके बने हैं, ठीक है ना? तो पंच तत्व क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर जो होता है वो किससे बनता है? किस पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है? तो ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट माइन्यूटली स्मॉल पार्टिकल्स, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहा? एटम्स, ठीक है? जो ये स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको क्या कहा? एटम। अब जो एटम है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं? नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है? एटम को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, है ना? अब जो है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसके बारे में बोल रहे हैं? एटम्स के बारे में, ठीक है? तो वो क्या करते हैं? कॉन्टीन्यूअसली मूविंग, तो वो क्या करते हैं? कॉन्टीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये हम अब वो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी, उसमें भी हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती है। ये आप कैसे पता लगा सकते हो? आपको सबको चाय बनानी आती है? आती है ना? मम्मी के लिए चाय बनाते हो? बनाते हो। अगर आप क्या करोगे, एक पैन में पानी लोगे और उसमें टी लीव्स डाल दोगे, तो क्या होगा? वो क्या करेगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, मतलब धीरे धीरे मूव करेंगे। बट अगर आप उसका स्टोव का को क्या कर दोगे, गैस स्टोव ऑन कर दोगे, तो उसका क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, है ना? अब इंक्रीज़ होगा तो क्या होंगे उसके जो पार्टिकल्स, क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करने के साथ साथ क्या होगा? आपको वो कलर, जो टी लीव्स का कलर है, वो जल्दी जल्दी उसमें मूव करने लगेंगे और आपको वो दिखाई देगा। तो ये आप इससे पता लगा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, वो किसके साथ बढ़ती है? टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो भी वो बढ़ेगी, ठीक है ना? और आप वो ले लो, क्या कहते हैं, अगरबत्ती। सामने देखोगी अगरबत्ती को ऐसे ही आप रखते हो तो उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो पूरे घर में नहीं फैलती, है ना? जैसे ही आपने उसको क्या किया, उसको जलाया, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे घर में मूव करती है, करती है कि नहीं? पूरे घर में उसकी खुशबू महकने लगती है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या क्या होते हैं? अब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में जो होता है वो स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कैसे पता लगाओगे? आपने एक बीकर में, बीकर तो हमारे घरों में होता नहीं है, है ना? तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या किया? वाटर लिया, वाटर में क्या किया? सॉल्ट डाला, ठीक है? तो उसका क्या लेवल क्या होता है? अप नहीं होता, वाटर लेवल सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और जो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो इससे पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है? अब इसको आप कैसे पता लगाओगे? कलर चेंज कैसे कर सकते हो? एक आपने ग्लास लिया, ठीक है, उसमें लेमन स्क्वैश का तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा, ऑरेंज स्क्वैश आपने ले लिया। ग्लास लिया, वाटर लिया, वाटर में क्या डाल दिया? ऑरेंज स्क्वैश डाल दिया, तो वाटर का क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है, पूरे वाटर का कलर चेंज होता है ना? पूरा वाटर क्या होगा? ऑरेंज कलर का हो जाएगा, है ना? तो ये भी इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग। ओके,
नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब इसी से हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इसी से बनती है. जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. तो इस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. गैसेस के बहुत दूर दूर होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो सॉलिड की जो होती है फिक्स्ड शेप होती है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं है, है ना. तो अब इसको कंप्रेस भी करना चाहोगे तो कंप्रेस नहीं होगा. आपके घर में टेबल है, टेबल को आप कंप्रेस करना चाहोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है, है ना. अब लिक्विड, लिक्विड की क्या होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, क्यों, कैसे, जैसे आप लिक्विड को क्या, आपने एक कप मिल्क लिया, तो वो मिल्क लिया तो वो कप की शेप का हो गया. उसी कप, उसी मिल्क को आपने क्या किया कि ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा. आप उसको बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप का हो जाएगा, है ना. तो इसकी मतलब कोई भी फिक्स शेप नहीं होती. गैसेस की भी फिक्स शेप नहीं होती, है ना. आपके रूम में भी गैसेस भरी हुई है लेकिन उसमें क्या है, उसकी फिक्स शेप नहीं है, है ना. फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, होता है कि ना. 1 लीटर आपका मिल्क है तो वो 1 लीटर मिल्क आप बॉटल में डालोगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं. आप उसको किसी दूसरे बर्तन में डालोगे तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1 लीटर ही रहेगा, है ना. वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होता है लेकिन शेप क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती, है ना. अब नो फिक्स्ड वॉल्यूम गैसेस की क्या होती है, वो उसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है. कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो कहाँ कंप्रेस कर पाओगे, है ना. कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड को क्या करते हैं, इसको भी क्या, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है. इसको कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, कंप्रेस्ड कर सकते हैं तभी तो ये LPG बनता है. LPG सिलेंडर में भी गैसेस भरी होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है. तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड सॉलिड्स, है ना. सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, ठीक है. इसी तरह से लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, सबसे कम क्या होगा, गैसेस में ही होगा. अब जो होता है सॉलिड को हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है. लिक्विड्स का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर होता है, ठीक है. ये BP वो वाला ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है. अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा देना इसको देख के, ठीक. अब है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. अब है लीस्ट इंटर पार्टिकल्स स्पेस, ये तो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं. मोर इंटर पार्टिकल्स स्पेस, इसके बीच में स्पेस है कि नहीं. मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किसके बीच में होता है, गैस के बीच में होता है, ठीक है. पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, जब स्पेस ही नहीं है तो वो कहाँ मूव करेगा. तो और इसके लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है ना. इसी तरह से पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं आप ये क्या होंगे, मूव करते हैं. जैसे आपने यहाँ पर क्या अगरबत्ती जलाई, वो क्या होती है, पूरे घर में फैल जाते हैं उसके पार्टिकल्स, है ना. डू नॉट फ्लो, ये क्या होता है, फ्लो नहीं होता, मतलब फ्लूडिटी नहीं होती इस पे सॉलिड में, है ना. फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर से लोअर में ही जाता है हमेशा, ठीक है. मतलब कि फ्लूडिटी होती है, है ना. एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. मतलब कि ये हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फ्लूडिटीज में भी होती है, ठीक है. अभी तो आपने सॉलिड लिक्विड गैसेस 3 स्टेट पढ़ ली, है ना. ये आपको पहले भी पता था सॉलिड लिक्विड गैसेस का. अब नेक्स्ट जो स्टेट होती है प्लाज्मा. आपने प्लाज्मा TV सुना भी होगा, अब आजकल जो होता है प्लाज्मा TV भी आ रहा है, ठीक है. ये जो होती है प्लाज्मा वो क्या होता है, 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है. और इसमें क्या होता है, जो क्या करता है, सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से बना होता है, ठीक है. विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, किसकी फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं. फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन, साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. नेक्स्ट जो स्टेट होती है 5th स्टेट जो होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, BEC, ठीक. इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक. ये क्या है, 5th स्टेट है. विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मैटर दैट हैज़ बीन कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब कि -270 डिग्री
73 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपको बस सिर्फ बता रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। आपको ये सारे नोट्स नोटबुक में करना है और आज की डेट में आज का काम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप क्या कहते हैं पेंडिंग छोड़ते चले जाओ, फिर बाद में जब मैं काम बोलती हूँ कि काम अपना वर्क सेंड करो तो आप करते ही नहीं हो। तो आपको आज का काम आज के दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।